हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आज हम बात करने वाले हैं हमारे उन दोस्तों के बारे में जो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जो इवेंट्स में जाकर के ओपनली बातचीत नहीं कर पाते, लोगों के साथ मिलजुल नहीं पाते, लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते। बात भी करते हैं तो बहुत शॉर्ट या फिर क्लोज फ्रेंड्स के साथ या फिर क्लोज ग्रुप के साथ बातचीत कर सकते हैं, और ज़्यादातर मोस्टली तो वो अकेले रहना ही पसंद करते हैं। अगर आप आज की डेट में भी इस तरह के सोशली ऑकवर्ड इंसान हो ना, तो यकीन मानो लोगों को सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, सिर्फ 2 मिनट में आपको इनकॉम्पिटेंट मान लेंगे, आपकी काबिलियत पे शक करने लगेंगे। अगर आप मोस्टली सिर्फ बातों को अवॉइड ही करते हो ना कि मुझे बातचीत नहीं करनी, तो लोग आपको ऐसे सस्पिशियसली निगाहों से देखेंगे जैसे आपने कोई बहुत घिनौना क्राइम नहीं करते हो, आप बहुत बड़े मुजरिम हो या फिर आप कोरोना के मरीज, आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब अगर आप कन्वर्सेशन का हैंडल करना नहीं जानते हो तो आपके साथ 2 केसेस हो सकते हैं। पहला तो आपको घिनौनी निगाहों का सामना करना पड़ेगा और दूसरा आपको फुल्ली इग्नोरेंस। और एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लिए ये दोनों ही केसेस एक टॉर्चर की तरह होते हैं, एक टॉर्चर की। हाँ, ये बात सही है कि आज का मेन स्ट्रीम वर्ल्ड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज के अराउंड ही फ्लोरिश्ड होता है। अगर आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, स्मार्टली टॉक्स को हैंडल कर सकते हो, अगर आप पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इट्स गुड फॉर योर लाइफ, इट्स गुड फॉर योर करियर, क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चले जाओ, ऐसी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ को बहुत ज़्यादा फेवर किया जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद तो शांत स्वभाव रखना जैसे कोई स्टिग्मा जैसा हो गया। तो चाहता ही नहीं कि हमारा बच्चा शांत स्वभाव वाला हो। हर पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा घर में कोई रिश्तेदार आए या मेहमान आए तो एक शानदार कन्वर्सेशन कर पाए, पटर पटर अच्छे से बातचीत कर पाए। अगर आप अच्छे से बात कर पाते हो ना, तो आपके पेरेंट्स का सीना चौड़ा हो जाता है। पर अगर आप बात नहीं कर पाते तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे ने मेहमान के सामने गलत इंप्रेशन डाल दिया, तो अगली बार आपको बुलाया ही नहीं जाएगा, या फिर बुलाया भी जाएगा तो चाय समोसे रखो और सीधे चुपचाप अंदर चले जाओ, आपको बातचीत करने का मौका नहीं दिया जाएगा। कभी कभी सोसाइटी के इस तरह के बिहेवियर से एक इंट्रोवर्ट बच्चे पर बहुत गंदे लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। असल में किसी इंट्रोवर्ट इंसान के साथ इस तरह के बिहेवियर के पीछे एक चीज़ समझ में आई मुझे, कि हम एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ को इंटेलिजेंट पर्सनालिटी के साथ कन्फ्यूज़ कर चुके हैं। जो लोग बेबाकी से बात कर पाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल लगते हैं हमारी सोसाइटी को, वो बहुत विश्वास पात्र लगते हैं। और जो लोग अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते ना, तो हमारी सोसाइटी समझती है तो आतंकवादी ऐसा लग, पता नहीं किस दिन कौन सा बम फोड़ देगा, क्योंकि वो तो चुपचाप रहता है, उसके थॉट्स उसके पास, उसकी बातें कभी किसी के सामने आई नहीं। मतलब ये नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट इंसान इंटेलिजेंट नहीं होता, बट एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी ही हमेशा इंटेलिजेंसी और रिलायबिलिटी की गारंटी नहीं होती। ये एक तरह का एक फॉल्स अजम्पशन पाल रखा है हम लोगों ने कि आउटगोइंग पर्सनालिटी ही हमारी इंटेलिजेंसी का कारण होती है। इंटेलिजेंट और रिलायबिलिटी किसी एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन फिर भी शांत स्वभाव रखने वाले इंसान को इन चीज़ों को से जज किया जाता है, उन्हें बड़ा इन्फीरियर समझा जाता है। पर असल में इंट्रोवर्ट इंसानों में भी एम्पैथी होती है, उनमें भी बहुत विल पावर होती है, खुल के जीने का शौक रखते हैं वो लोग। इंट्रोवर्ट इंसान भी बहुत बुद्धिमान और इंटेलिजेंट भी होते हैं। पर मैं इंट्रोवर्ट इंसानों के बारे में इतना कैसे जानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हद तक मैं भी एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी ही हूँ। मुझे भी अजनबियों से बातें करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी ओपनली बात करने में कहीं ना कहीं झिझक सी होती है। लेकिन अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना, तो इस चीज़ को, इस पर्सनालिटी को बीमारी मत समझो। अगर आप इतिहास उठा करके देखोगे ना, तो इतिहास में हर एक लाइफ चेंजिंग आइडियाज के पीछे आपको एक जान स्वभाव वाला पर्सन मिलेगा। हर एक लाइफ चेंजिंग आइडियाज, आर्ट हो, इनोवेशन हो, द लॉ ऑफ ग्रेविटी हो, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, द लॉ ऑफ रिलेटिविलिटी हो, पिकासो की पेंटिंग से लेकर पर्सनल कंप्यूटर तक, हर एक के पीछे आपको एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाला पर्सन मिलेगा। यह कोई बीमारी नहीं है, कोई बुराई नहीं है दोस्त, बस एक पर्सनालिटी है। और अगर आप अपनी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को बदलना चाहते हैं, तो अपनी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी में बदला जा सकता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कहा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया के सामने आने से डरते थे, वो इस चक्कर में मीडिया के सामने आते ही नहीं थे कि उनको बातचीत करनी पड़ेगी, उनके किसी के सामने जवाब देना होगा, वो अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते थे, इसलिए वो अधिकतर मीडिया के सामने आने से अवॉइड करते थे। लेकिन जिस तरह से हमने कपिल शर्मा के शो में उनको अच्छे से बेबाकी से बात करते हुए देखा और अच्छे से शायरियाँ पढ़ते थे, तो उनमें जितना चेंज आया, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा चेंज है एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टू एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी में, एक ट्रांसफॉर्मेशन, और ये सच में एक साइंटिफिकली तरीके से किया जा सकता है।
अगर आपको इस रिलेटेड कोई क्वेरीज हो या फिर इसका एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो मुझे DM कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। इस पर एक डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम जानेंगे कि हम किस तरह से इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी में बदल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।